यस प्लीज। देखो भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था लिगेंड्स। हमने बात कर ली थी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट्स। पहला हमने बताया था सबसे फर्स्ट यूनिडेंटेट लिगेंड, दूसरा हमने बताया था बाईडेंटेट लिगेंड, तीसरा हमने बताया था ट्राईडेंटेट लिगेंड, चौथे की बात करें टेट्राडेंटेट टेट्राडेंटेट लिगेंड, और हम फिफ्थ की बात करें अगर हेक्साडेंटेट तो लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव टाइप्स डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डोनर साइट्स। फर्स्ट वन इज यूनिडेंटेट विथ वन डोनर साइट, बाईडेंटेट विथ टू डोनर साइट, ट्राईडेंटेट विथ थ्री डोनर साइट्स, टेट्राडेंटेट विथ फोर डोनर साइट्स एंड हेक्साडेंटेट विथ सिक्स डोनर साइट्स। ओके, सो विथ वन डोनर साइट, विथ टू डोनर साइट, विथ थ्री डोनर साइट्स, विथ फोर डोनर साइट्स, विथ सिक्स। With six donor sites. So depending on the number of donor sites, ligands are classified into various types. Now, unidentate ligand. So we have a table, some important unidentate ligands. Important unidentate ligands. Some important unidentate ligands. So first, we have to draw a table name. Second one is formula, then charge on ligand, and finally the name of the ligand. Name of the ligand. Okay, first we have negative ligands. There are three types of ligands: negative ligands, positive ligands and neutral ligands.
So first one is negative ligands. So what are the examples of negative ligands? First is negative ligands. So negative ligands, first one is halides. Halides X minus. Halides की बात करें अगर हम तो चार्ज होता है उसमें माइनस वन. Halides की बात करते हैं हम, चार्ज कितना है उसमें माइनस वन. ठीक है, कौन कौन आ सकता है इसमें हैलाइड्स में? तो ध्यान रखना है क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है हैलाइड का वो ध्यान रखना है एक्स माइनस. एक्स कौन कौन हो सकता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड. ठीक है, इनमें से हो सकते हैं भाई. चार्ज कितना है इसमें? माइनस वन. माइनस वन ध्यान रखना है, ये टेबल एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये. नाम क्या आएगा? नाम आएगा हेलिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो. ठीक है, तो हेलिडो. सेकंड बात करते हैं हम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, हैलाइड के बाद में सेकंड कौन है? हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मूला है OH माइनस. फॉर्मूला हमारे पास है OH माइनस. ठीक है, इस पे चार्ज है माइनस वन. और इसके लिए नाम क्या यूज करते हैं हम? इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोक्सो. हाइड्रोक्सो सेकंड बात करें थर्ड साइनाइड. सारे नेगेटिव लिगेंड्स है भाई, ये ध्यान रखना है. दीज ऑल आर नेगेटिव लिगेंड्स. साइनाइड आयन फॉर्मूला है सी एन माइनस. चार्ज है माइनस वन. और इसके लिए जो नाम यूज करते हैं साइनो या साइनीडो. साइनीडो आगे बात करते हैं नेक्स्ट. ऑक्साइड आयन ऑक्साइड आयन ओ माइनस टू. फॉर्मूला है ओ माइनस टू. चार्ज है माइनस टू और वर्ड यूज करेंगे ऑक्सो. ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे. नेक्स्ट है पर ऑक्साइड आयन. पर ऑक्साइड आयन फॉर्मूला है O2 माइनस टू. O2 माइनस टू इस पे चार्ज है माइनस टू और पर ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे. पर ऑक्सो. नेक्स्ट अगर बात करें हम कार्बोनेट आयन. सारे नेगेटिव लिगेंड्स है ये. कार्बोनेट कार्बोनेट आयन CO3 माइनस टू. चार्ज है माइनस टू. वर्ड यूज करेंगे इसके लिए कार्बोनेटो. कार्बोनेटो
वर्ड यूज करेंगे कार्बोनेटो। नेक्स्ट बात करें सल्फेट, सल्फेट सल्फेट आयन, SO4-2 चार्ज है -2 सल्फेटो। वर्ड यूज करना है सल्फेटो। आगे बात करें नेक्स्ट नाइट्राइट, नाइट्राइट नाइट्राइट आयन NO2- चार्ज है -1 नाइट्रीटो। क्या यूज करेंगे नाइट्रीटो, ठीक है नाइट्रीटो या नाइट्रो दोनों यूज कर सकते हैं, जनरली नाइट्रीटो यूज करते हैं भाई। देन उसके बाद में है थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेट थायोसाइनेट SCN- चार्ज है -1 थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो थायोसाइनेटो ये वर्ड यूज करेंगे। आगे बात करें नेक्स्ट हम एसीटेट, एसीटेट आयन फॉर्मूला है CH3COO- चार्ज है -1 एसीटेटो, एसीटेटो। नेक्स्ट बात करें हम सल्फाइड, नेक्स्ट है सल्फाइड फॉर्मूला है S-2 चार्ज है -2 वर्ड यूज करेंगे सल्फाइडो या सल्फीडो, सल्फीडो। आगे बात करें नेक्स्ट थायोसल्फेट, थायोसल्फेट थायोसल्फेट आयन S2O3-2 S2O3-2 चार्ज है -2 थायोसल्फेटो, थायो थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। आगे बात करें नेक्स्ट नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट नाइट्रेट आयन नाइट्रेट आयन नाइट्रेट आयन नाइट्रेट आयन N3-1 नाइट्रीटो, ठीक है नाइट्रेटो नाइट्रेटो नाइट्रेटो। नेक्स्ट बात करें
सल्फाइट, 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 एसओ थ्री माइनस सल्फाइट, सल्फाइट एसओ थ्री माइनस टू, चार जाएगा माइनस टू, सल्फीटो सल्फीटो अमाइड, अमाइड एनएच टू माइनस अमाइड, एनएच टू माइनस माइनस वन अमीडो, अमीडो एक है और है नाइट्रेट आयन, एनओ थ्री माइनस नाइट्रेटो, नेक्स्ट सो दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, ये सारे नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स है भाई, दीज ऑल आर नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, ठीक है ये ध्यान रखना है आपको, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स है भाई, हैलाइड्स, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, ऑक्साइड, परोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्राइट, थायोसाइनेट, एसीटेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्रेट, सल्फाइट, अमाइड, नाइट्रेट, दीज ऑल आर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। नाउ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, सो देर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, नंबर वन नाइट्रोनियम, ओके नंबर वन इज नाइट्रोनियम, फॉर्मूला है इसका एनओ टू प्लस, चार्ज है इस पे प्लस वन, चार्ज क्या है इस पे प्लस वन, और क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, तो नाइट्रोनियम ही यूज करेंगे इसके लिए, एज इट इज यूज कर लेंगे नाइट्रोनियम, सेकंड जो है हमारे पास वो है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम एनओ प्लस, इसके पास भी प्लस वन, इसके लिए भी यही वर्ड यूज करना है नाइट्रोसोनियम, सो नाइट्रोनियम नाइट्रोसोनियम। नाउ वी हैव न्यूट्रल लिगेंड्स, सो नेक्स्ट इज न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, सो व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, तो सब नंबर वन इज अमोनिया, फर्स्ट वन इज अमोनिया,
NH3. So charge on ammonia is zero. Zero charge. We use word amine. What we use? Amine word. Next one is water. Neutral ligand ka dusra example hai water. H2O. Charge zero. We use aqua word. We use aqua. We use word aqua. Aqua. Next, phosphine. Third neutral example is phosphine. PH3. PH3. Charge zero. What we use? Word phosphine. We use the word phosphine. Next. Nitrogen oxide. Nitrogen oxide. Formula is NO. Charge zero. We use the word nitrosyl. Nitrosyl. Next, carbon monoxide. Carbon monoxide. CO. Charge zero. We use carbonyl. Carbonyl. Next, pyridine. Next one is pyridine. Pyridine. C6H5N. C6H5N. Charge zero. Word used pyridine. Name of the ligand pyridine. Next is thiocarbonyl. Thiocarbonyl. Thiocarbonyl CS. Zero. Charge zero. We use thiocarbonyl word. Thiocarbonyl. Triphenyl phosphine. Triphenyl phosphine. Triphenyl phosphine. C6H5 ka whole thrice P. Charge zero. And the word used, triphenyl phosphine. So these are neutral ligands. These are neutral ligands. So
देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स. फर्स्ट वन इज नाइट्रोनियम एंड सेकेंड वन इज नाइट्रोसोनियम. नाइट्रोनियम नाइट्रोसोनियम एनओ टू प्लस एनओ प्लस प्लस वन चार्ज. प्लस वन चार्ज नाइट्रोनियम नेम ऑफ द लिगेंड एंड नेम ऑफ द लिगेंड इज नाइट्रोसोनियम. देन न्यूट्रल लिगेंड्स फर्स्ट वन इज अमोनिया अमाइन वर्ड. Name of the ligand is amine. Water. Name of the amine is aqua. Phosphine. PH3. Similarly, nitrogen oxide. NO. Zero charge. Nitrosyl. Carbon monoxide. CO. Carbonyl word. Pyridine. C6H5N. Charge zero. Name of the ligand is pyridine. Similarly, thiocarbonyl CS. Charge zero. Name of the ligand is thiocarbonyl. And last is triphenyl phosphine. Triphenyl phosphine. So this is the table. You have to learn charge and name of the ligand, that what word we use for water, that is aqua. For MnH3 we use amine. For carbon monoxide we use carbonyl. For nitrogen oxide we use nitrosyl. For thiocarbonyl we use the word thiocarbonyl. So this table is not given in your NCERT book. So, and this is very important table. While naming of coordination compound, we have to use this table. So, ये table हमारे बहुत काम की है भाई. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है. कुछ हमने ligands के नाम बताए, charge बताया, उनका formula बताया. काफी important है भाई, ये ध्यान रखना है table. इस table के बिना आप जो है name नहीं बता सकते. ठीक है, आगे ध्यान दें. सम मल्टीडेंटेड लिगेंड्स, ये सारे जो है वो यूनिडेंटेड लिगेंड्स थे भाई. दीज ऑल आर यूनिडेंटेड लिगेंड्स. दे ऑल हैव वन डोनर साइट. नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीडेंटेड लिगेंड्स. In multidentate ligands, we also have negative ligands and neutral ligands. Okay, like in unidentate, we have neutral ligands, positive type of ligands, negative ligands. Similarly, in multidentate ligands also, we have neutral ligands and we have negatively charged ligands. So now, first of all, multidentate ligands. Some multidentate ligands. Some multidentate ligands. A multidentate may be सबसे first न्यूट्रल लिगेंड्स. फर्स्ट वन इज न्यूट्रल लिगेंड्स. इसमें भी आपको ध्यान रखना है सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड्स. लिगेंड्स फॉर्मूला चार्ज एंड नेम ऑफ द लिगेंड. सेम भाई, सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड्स.
सबसे फर्स्ट न्यूट्रल लिगेंड्स, अब न्यूट्रल लिगेंड्स में भी आपको ध्यान रखना है, पहला हमारे पास है इथाइलीन डाइअमीन, फर्स्ट है हमारे पास इथाइलीन डाइअमीन, जिसका दूसरा नाम है इथेन 1.2 डाइअमीन। इथेन 1.2 डाइअमीन फॉर्मूला है इसका NH2CH2CH2NH2। यहां पर लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइलीन डायमीन। चार्ज जीरो, चार्ज होता है इसका जीरो, और नेम ऑफ द लिगेंड, इसका जो नेम ऑफ द लिगेंड है उसमें आपको ध्यान रखना है ईएन वर्ड यूज करते हैं, वह इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं, एब्रीवेशन ईएन, ईएन वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। चार्ज एब्रीवेशन, एब्रीवेशन और डोनर साइट्स, डोनर साइट्स। सो एब्रीवेशन द वर्ड ईएन इज यूज्ड, नंबर ऑफ डोनर साइट्स टू, नंबर ऑफ डोनर साइट्स टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2.2 बाईपाइरेडिल, सेकेंड एग्जाम्पल 2.2 बाईपाइरेडिल, 2.2 बाईपाइरेडिल। फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला है यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इस तरह का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है, यहां पर भी नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बाईपाइरिडिल, चार्ज जीरो, शॉर्ट फॉर्म वी यूज बाईपाइरिडिल, पी वाई, नंबर ऑफ डोनर साइट दैट इज टू। सो फर्स्ट वन इज न्यूट्रल लिगेंड इज इथाइलीन डायमीन, चार्ज जीरो, वी यूज वर्ड ईएन, नंबर ऑफ डोनर साइट टू। सिमिलरली 2.2 बाईपाइरिडिल, जीरो चार्ज, नंबर ऑफ डोनर साइट्स टू। नेक्स्ट अब आगे इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे भाई, इसके बाद का जो है काफी बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, तो अभी हो नहीं पाएगा ये, ठीक है, आगे बताएंगे नेक्स्ट कल की क्लास में, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो टेबल याद कर लेना अच्छे से भाई, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, ओके।